गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुनीता और आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल एंजॉय पॉप्स एंड प्लांट्स में। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस देने वाला खूबसूरत सा फ्लावर चंपा की, जिसको हम प्लमेरिया भी कहते हैं। और इसकी देखिए लीव्स कितनी अच्छी हैं, कितनी बड़ी बड़ी, कितनी अच्छी लीव्स हैं। और इस प्लांट की खासियत ये है कि इसमें जब फ्लावर्स खिलने शुरू होते हैं तो कई बार लीव्स कम हो जाती हैं और फ्लावर्स ही फ्लावर्स दिखाई पड़ते हैं। गर्मी में फ्लावरिंग करने वाला ये बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत इसके जो फ्लावर्स हैं वो होते हैं। और एक भीनी भीनी खुशबू देने वाला बहुत अच्छे से इसमें फ्लावरिंग होती है और पूरी गर्मी ये फ्लावरिंग करता रहता है। पूरी फरवरी मार्च से लेकर इसमें पूरी बरसात भर फ्लावरिंग होती है। जितना बड़ा आपका पौधा होगा, जितना बड़ा पेड़ होगा, उतनी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होगी। अब हम लोग तो अपने टेरेस में गार्डनिंग करते हैं तो उतना बड़ा शेप नहीं ले पाता है, लेकिन अगर आप रोड साइड में देखें तो अक्सर इसके प्लांट आपको खड़े दिख जाते हैं और उसमें पूरा पेड़ का रूप ले लेता है ये, और बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती रहती है और आसपास बहुत अच्छी एक भीनी भीनी सी खुशबू बनी रहती है। तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, बहुत ही आसानी से उगने वाला, बहुत कम केयर वाला। जैसे कि आप रोड साइड पे देख सकते हैं इसकी कितनी कम केयर होती है, शायद बारिश का पानी इसको मिल जाता है उसमें ही आराम से सर्वाइव करता है। तो हम भी इतने बड़े प्लांट को जब अपने घर में लगाते हैं तो हाँ, थोड़ी वहाँ से तो ज़्यादा केयर हो जाती है, लेकिन फिर भी एक तरह से इसको कहें कि बगैर केयर में ये चलने वाला प्लांट है जिसको हम आसानी से अपने टेरेस में उगा सकते हैं। अब देखिए, अगर इसके ग्रोइंग सीज़न की बात करें तो इसका जो फ्लावरिंग सीज़न होता है वो फरवरी से लेकर पूरे बरसात और सितंबर अक्टूबर तक इसकी फ्लावरिंग होती है। अगर इसके पॉट साइज़ की बात करें तो देखिए, ये मेरा जो ये प्लमेरिया लगा हुआ है ये 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है और ये 3 साल पुराना है। कभी ये मैंने इसमें छोटे छोटे एक कप में ऐसे ही लगा दिए हैं और ये 12 इंच का ही पॉट है और करीब करीब इसकी एज 3 साल हो गई होगी। 3 साल हो गया है इसको लगाए और बस एक बार मैंने अभी इसको फरवरी मार्च में रिपोर्टिंग की थी इसकी, और तब से ये आराम से चल रहा है, खूब अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। इस समय फ्लावरिंग नहीं है क्योंकि ये फ्लावरिंग कर चुका है, और फ्लावरिंग के बाद फिर आप देखेंगे कि इसमें जहाँ से ये फ्लावरिंग होती है इस यहाँ से फिर ये 2 ब्रांचेस निकलती हैं और इस तरह से ये पौधा बड़ा होता रहेगा। अभी इसमें भी फ्लावरिंग हुई थी, उसके बाद इस यहाँ से फिर 2 ब्रांचेस निकली हैं और फिर जब फ्लावरिंग होगी तो उसके बाद फिर 2 से फिर 4 होंगी और इस तरह से इसकी ब्रांचेस बढ़ती जाती हैं और उतनी जितना बड़ा प्लांट होगा उतनी अच्छी फ्लावरिंग करेगा। तो जब आप इसको शुरू में ले आते हैं तो इसको बहुत बड़े पॉट साइज़ की ज़रूरत नहीं है। और अगर इसके सॉइल मिक्स की हम बात करें तो वेल ड्रेन सॉइल चाहिए इसको और जहाँ पानी न रुके। तो मैं अमूमन जब अपने बनाती हूँ गार्डन सॉइल 30% या 40% ले लीजिए और सैंड की मात्रा अच्छी रखिए और उसके बाद 20-30% आप कंपोस्ट डाल के इसको इस प्लांट को लगा सकते हैं। और अगर इसके सनलाइट की बात करें तो इसको फुल सन पसंद है। जितनी अधिक सनलाइट में रहेगा उतनी अच्छी फ्लावरिंग करेगा, उतनी अच्छी इसकी ग्रोथ होगी, और जब इसको सनलाइट कम मिलेगी तो इसकी ग्रोथ पर भी उसका असर पड़ता है। तो ऐसी जगह पर ऐसे लोग जिनके घर में पूरी धूप आती है बहुत आराम से इसको उगा सकते हैं। मेरी छत पर भी खूब धूप आती है और मैंने इसको रखा हुआ है, बहुत अच्छा, देखिए कितना अच्छा ये फ्लोरिश कर रहा है। अब अगर इसकी वाटरिंग की बात करें तो हमें इसकी वाटरिंग तब करनी है जब इसकी मिट्टी की अपर लेयर सूखने लगे और बहुत ज़्यादा पानी इसको नहीं देना है, तभी ये गर्मी में भी आसानी से ये फ्लोरिश करता है, अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो इसके अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसको जब आप फरवरी मार्च में जब इसका ग्रोइंग सीज़न होता है, जब फ्लावरिंग सीज़न होता है, तब इसको एक बार अच्छे से इसमें कोई भी कंपोस्ट डाल दीजिए और फिर जब तक फ्लावरिंग सीज़न रहता है तब तक इसमें जो बनाना पेल फर्टिलाइज़र या अनियन पेल फर्टिलाइज़र आप 15-20 दिन में एक बार डाल सकते हैं। और वैसे ऐसा जिसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, तो
इस तरह से आप अगर बीज में देंगे तो और अच्छी फ्लावरिंग होती रहेगी। और इसके साथ इसमें कोई इन्फेस्टेशन तो देखा, 3 साल से तो मेरे प्लांट में कुछ नहीं लगा है। बस मैं यही करती हूँ कि 15-20 दिन में जब भी नीम ऑयल का स्प्रे करती हूँ तो इस पर भी कर देती हूँ। तो इस तरह से ये कीट पतंगों से भी बचा हुआ है। अब बात आती है कि इसका प्रोपगेशन कैसे किया जाए। तो इसकी कटिंग लगती है, इसकी कम से कम 1.5 से 2 बालिश की कटिंग इसकी लेके आप लगा सकते हैं। अभी मेरा प्लांट तो बहुत छोटा है तो मैं ये कोशिश नहीं कर सकती हूँ, लेकिन बहुत आसानी से मैंने देखा कि कटिंग लग जाती है। आप इसकी करीब इतनी बड़ी 10-12 इंच की कटिंग लेकर, कई बार लोग प्लांट्स को काटते हैं, पेड़ को काटते हैं, तो उसकी एक कोई कटिंग लेकर आप लगा सकते हैं और इस रेनी सीज़न में बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाती है। तो इसके प्रोपोगेशन के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो कहीं से कटिंग आपको लानी पड़ेगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये बहुत ही हार्डी प्लांट, देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है। बहुत कम केयर में आप इसको अपने घर में, अपने टेरेस में लगा सकते हैं और इसकी पुरानी पत्तियां तोड़ते रहिए, फूल भी पुराने जो होते जाएं उनको आप निकालते रहिए, तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती रहेगी। और अभी तो इसमें बारिश का समय है, नई ग्रोथ ले रहा है, नई ब्रांच निकल रही है, तो काफ़ी सारी इसमें पत्तियां दिख रही हैं। अदरवाइज़ जब इसमें फ्लावरिंग सीज़न आता है तो बहुत कम पत्तियां दिखती हैं, फूल ही फूल दिखाई पड़ते हैं। तो बहुत आसानी से आप इसको अपने घर में लगा सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। और वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब भी करिए अगर हमारे चैनल पर नए हैं। फिर मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।